एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएलडीजी गाइडलाइंस के बारे में। अभी हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक कंपनीज, जो कि लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती हैं, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस को अलाउ किया है, जारी किया है। इसी कारण आपका फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी गाइडलाइंस चर्चा में है। तो ये बेसिकली एक प्रकार की गाइडलाइन है जो फिनटेक कंपनीज के लिए है। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं आरबीआई की द्वारा जारी की गई ये गाइडलाइंस आखिर क्या है, फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है फिनटेक कंपनीज के लिए, क्योंकि जो फिनटेक कंपनीज हैं, इनका बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में एक लेंडिंग अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्लैरिटी को लेकर काफी इशू था। तो अभी उम्मीद की जा रही है इन गाइडलाइंस के इशू होने के बाद कि इस चीज में जो इनका लेंडिंग अरेंजमेंट है, इसमें काफी ज्यादा क्लैरिटी देखने को अब मिलेगी। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर एफएलडीजी फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी क्या है। देखिए, एफएलडीजी ये बेसिकली एक प्रकार का लैंडिंग मॉडल है, जो किस किस के बीच में होता है। लैंडिंग मॉडल है, ये होता है बेसिकली बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जिनको फिनटेक कंपनी भी बोलते हैं। देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप किससे लोन लेते हैं? आप जाते हैं बैंक के पास, ठीक है। आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है जिससे आप लोन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया बैंक, और इधर हो गए हम और आप, जो कि बोरोवर्स हैं जिनको लोन चाहिए, ठीक है। तो बोरोवर्स जो है, ये डायरेक्टली बैंक गए और इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। लेकिन बैंकों से लोन लेना काफी टफ हो जाता है, तो इसीलिए बीच में एक मीडिएटरी, मध्यस्थता की भूमिका निभाती है फिनटेक कंपनी। आजकल मार्केट में काफी सारी फिनटेक कंपनीज आ चुकी हैं जो इन बोरोवर्स को लोन दिलाने में मदद करती हैं। बेसिकली जो फिनटेक कंपनीज होती हैं और बैंक होते हैं, फिनटेक कंपनीज और बैंकों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। लोन फ्रेंड्स बैंक के द्वारा ही आपको दिया जाता है। लोन तो बैंक ही देता है, लेकिन फिनटेक कंपनीज के माध्यम से देता है। बेसिकली फिनटेक कंपनीज, अगर इस फिनटेक वर्ड को आप तोड़ते हैं तो आप देखते हैं फिनटेक मतलब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज फाइनेंस मार्केट में करते हैं, तो बेसिकली ये फिनटेक कंपनीज होती हैं। तो क्योंकि बैंकों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए ये फिनटेक कंपनीज की हेल्प लेती हैं। फिनटेक कंपनीज के पास जो कंज्यूमर बेस है वो काफी ज्यादा होता है, तो बेसिकली बैंकों के पास उतना कंज्यूमर बेस नहीं होता है, उतने बोरोवर्स नहीं आते हैं, इसीलिए फिनटेक कंपनीज के साथ ये एग्रीमेंट करती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा बोरोवर्स को ये फिनटेक कंपनीज बैंकों के पास लेकर आती हैं, जिनको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो आप अभी अच्छे से समझ सकते हैं एफएलडीजी फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी क्या है। ये बेसिकली एक लैंडिंग मॉडल है जो कि बैंक्स और फिनटेक कंपनीज के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिनटेक कंपनीज बेसिकली एक थर्ड पार्टी की भूमिका निभाती है रेगुलेटेड एंटिटीज और बोरोवर्स के बीच में। रेगुलेटेड एंटिटीज आपके बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ बोरोवर्स ऐसे भी होते हैं जो लोन को वापस करने में चूक जाते हैं और वो लोन आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे लोन का जो क्षतिपूर्ति है आखिर कहां से की जाए, ये फिर समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में जो फिनटेक कंपनी है, उनका ऐसा कहना था कि हम तो एक मध्यस्थता की भूमिका निभाती हैं, एक मीडिएटरी हैं, तो हम इस लोन को नहीं देंगे, हम इसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे। और ये दोनों अपने दोनों हाथों को खड़े कर लेते थे और सारा जो एक क्षतिपूर्ति है, सारा जो नुकसान है, वो बैंकों के माथे लगा देते थे। तो सारा जो नुकसान है वो बैंकों के ऊपर डाल दिया जाता था, और जो फिनटेक कंपनी है, ये अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं समझती थी। इसीलिए फ्रेंड्स, आरबीआई ने सितंबर 2022 में भी डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को इशू किया था, लेकिन उन गाइडलाइंस के द्वारा भी ज्यादा क्लैरिटी इस सिस्टम के बारे में नहीं मिल पाई थी। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन उपलब्ध नहीं था, तो जो बैंक थे उन्होंने फिनटेक कंपनीज के साथ में इस प्रकार के अरेंजमेंट को करना बंद कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे। क्लियर डायरेक्शन ऐसी कोई उपलब्ध नहीं थी। तो इसी कारण से जो फिनटेक इंडस्ट्री है, वो इस चीज की डिमांड कर रही थी कि आरबीआई कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस को इशू करें, क्योंकि इनके अभाव में फिनटेक इंडस्ट्री पर एक थ्रेट, उनके बिजनेस पर एक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि बैंक इनके साथ में इस प्रकार की अरेंजमेंट को करना बंद कर रही थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। चलिए समझते हैं अभी आरबीआई ने अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस को जारी किया है, आखिर क्या है वे गाइडलाइंस। देखिए, सबसे पहला गाइडलाइन है बैंक्स एंड एनबीएफसी शुड एंश्योर दैट, तो बैंक और एनबीएफसी को यहां पर ये चीज एंश्योर करना होगा कि जो आपका डिफॉल्ट लॉस गारंटी का कवर है, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट लोन पोर्टफोलियो, तो वह लोन पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए।
और इस प्रकार की जो गारंटी है इसको जो आपकी लेंडर सर्विस प्रोवाइडर फिनटेक कंपनीज हैं इनको ये बैंक के पास में कैश डिपॉजिट के रूप में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में या किसी गारंटी के रूप में बैंकों के पास जमा कर सकती है, लेकिन वो 5% से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि किन किन के ऊपर ये जो गाइडलाइंस है ये एप्लीकेबल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी सभी प्रकार की कमर्शियल बैंक्स पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर और एनबीएफसीज पर। अगर किसी कारण से किसी भी लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो उनके पास एक एंश्योर करके जो पैसा रखा गया है 5%, वो उसका कितने टाइम के बाद यूज कर सकती हैं? तो फ्रेंड्स, वो उसका यूज कर सकती हैं 120 डेज के बाद में। नेक्स्ट है आपका जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर फिनटेक कंपनीज के द्वारा जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड की जाती है वो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।